हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं टीवीएस मोटर शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1223.90 रुपये का अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है। यहां पर आपको बता दूं, अभी बचा है 1:45, उस समय मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां पर देखिएगा 1223-1224 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें यहां पर बाइंग करनी चाहिए? यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई लग चुका है, एक ब्रेकआउट भी प्रॉपरली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे गैप के साथ प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाई दिया है। यदि हम यहाँ पर बाइंग करें तो क्या टारगेट यहाँ से एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, इस पर भी हम करने वाले हैं चर्चा। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब आप देखेंगे ब्रेकआउट कहाँ मिला, तो यहाँ पर आप देखिएगा इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। कंसिस्टेंटली इस रेजिस्टेंस पे जाने के बाद स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई देता है। ये देखिएगा, चार बार आपको मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया और इन रेजिस्टेंस से जब जब गिरावट हुई है तो स्टॉक ने सपोर्ट कहाँ पर जनरेट किया है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर तो आप देखेंगे सपोर्ट किस जगह पर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग 1000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दिया था। इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आता है और 1000 के कुछ नीचे तक जा करके सपोर्ट लेता है। ये देखिएगा, यहाँ से स्टॉक फिर से आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था, इस बार रेजिस्टेंस तक स्टॉक नहीं आया तो वापस से स्टॉक नीचे गया और लगभग लगभग आप देखेंगे 1000 के कुछ नीचे जाने के बाद सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर आता है और एक बार फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है और मिलता है रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के साथ ही स्टॉक एक बार फिर से नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है। अब आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। ये देखिएगा, फिर से स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे गिरता है। यहाँ पर अभी तक तो हमें ब्रेकआउट नहीं दिखाता, लेकिन अब आप देखिए स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर आ रहा था और कल के दिन यहाँ पे हमने तेजी देखी थी, उसके बाद आज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पर आप देखेंगे एक गैप क्रिएट हुई, इस गैप के साथ स्टॉक ओपन होता हुआ दिखाई दिया और ना सिर्फ ओपन हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिल चुका है। ये देखिएगा, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है जहां से स्टॉक कई बार रिजेक्ट हुआ वहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक अभी यहां पर 1223-1224 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहां पर बाइंग करनी चाहिए? तो फ्रेंड देखिए, रिस्क डेफिनेटली ली जा सकती है। यहां पर अगर आप बाइंग करेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैनेज करके इस ब्रेकआउट को प्ले करना होगा। अब किस तरह से प्ले करेंगे, तो यहां पर देखिए 1223 रुपये के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है, यहां पर आप बाइंग कीजिए। लेकिन बाइंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नीचे की तरफ बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर छोटा रहने वाला है। सपोज 1200 रुपए 1190 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 25 से 30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रख करके एंट्री करना है। और जो टारगेट है वो यहां पर हम प्रीडिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर हिस्ट्री जो है उसको तोड़ रहा है, ये मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टॉक अगर ऊपर चलता रहता है तो अपने स्टॉप लॉस को क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। सपोज आपने अभी 1223-1224 पे बाइंग कर लिया और स्टॉप लॉस कहां पर पुट किया है, सपोज यहां पर 1290 के आसपास। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, सपोज कल के दिन भी स्टॉक ऊपर गया, यहां पर अगर 1240 तक स्टॉक जाता है या 1235 तक स्टॉक जाता है, तब हम अपने 10 पॉइंट स्टॉप लॉस को भी ऊपर शिफ्ट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे स्टॉक अगर ऊपर चले तो स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते जाए और एक समय आएगा स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद अपने प्रॉफिट को सेव करते हुए आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि यहां से स्टॉक ऊपर जाता है ये उस सिनेरियो की बात है, सपोज यहां से स्टॉक कल को ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यदि यहां से स्टॉक ऊपर नहीं जाता और नीचे आता है, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में कुछ नहीं होगा, उस केस में आपको यहां पर 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बियर करना होगा। और यदि आप स्टॉप लॉस बियर करने के लिए रेडी है तो इस वाले ब्रेकआउट में डेफिनेटली आपको एंट्री करना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर गेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि रिस्क तो हर ट्रेड में इन्वॉल्व होगी, हर इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होगी, यहां पर एक छोटी रिस्क लेकर के एक बड़ा प्ले किया जा सकता है, यहां पर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सके। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल टीवीएस मोटर शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।